हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में सिलिकॉन को क्यों ज़्यादा प्रिफर करते हैं जर्मेनियम से। लेकिन इससे पहले, डिस्कस करने से पहले, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें और मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि क्यों सिलिकॉन हमारा जर्मेनियम से ज़्यादा यूज किया जाता है, राइट? सबसे पहला पॉइंट है, जो सिलिकॉन होता है वो अपने सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बहुत आसानी से बना लेता है। जब उसके ऊपर, उसका सरफेस पर ऑक्सीडेशन होता है तो एक SiO2 की जो लेयर होती है वो बहुत इजीली फॉर्म हो जाती है इन कंपेरिजन ऑफ जर्मेनियम, जो कि एक बहुत ही अच्छे इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन ज्यादा यूज होता है जर्मेनियम की अपेक्षा। सेकेंड पॉइंट है उसका लार्ज बैंड गैप। सिलिकॉन का बैंड गैप होता है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बैंड गैप ज्यादा होने की वजह से जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, वो कम जनरेट होते हैं इन कंपेरिजन टू जर्मेनियम। जर्मेनियम में जल्दी जनरेट होते हैं, जो कि हमारे अनवांटेड कैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से नॉइज बढ़ती है जर्मेनियम में। लेकिन सिलिकॉन में क्योंकि बैंड गैप ज्यादा होता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है थर्मल प्रोसेस की वजह से कम होता है, जिसकी वजह से नॉइज कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट सिलिकॉन में कम होता है, क्योंकि अगर जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं थर्मल प्रोसेस की वजह से वो कम होंगे तो हमारे रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सिलिकॉन होता है वो हमारे इस अर्थ पे बहुत आसानी से पाया जाता है, कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सैंड। लेकिन जर्मेनियम आसानी से नहीं मिलता है, सैंड से हम सिलिकॉन बड़ी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिलिकॉन की प्रोसेसिंग बहुत ही इजीली हो जाती है और ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है। इससे बने हुए जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव कम होते हैं। ठीक है, फिर होता है कि इसका स्ट्रक्चर, अगर आप सिलिकॉन से बने स्ट्रक्चर को और जर्मेनियम से बने स्ट्रक्चर को किसी हाई टेम्परेचर की जगह पर रखेंगे तो क्या होगा कि जो जर्मेनियम का जो स्ट्रक्चर है वो जल्दी टूट जाता है, लेकिन सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देर में टूटता है। ठीक है, अब क्योंकि ये जर्मेनियम जल्दी ब्रेक हो जाता है, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी इजली जनरेट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीक इनवर्स वोल्टेज सिलिकॉन का ज्यादा होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज ज्यादा होगा तो क्या होगा कि वो रिवर्स बायस में ज्यादा देर तक वर्क कर सकेगा, अदरवाइज ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा सिलिकॉन ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, हालांकि जो इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी है, ठीक है, वो जर्मेनियम की ज्यादा होती है। ठीक है, जिससे वो हाई फ्रीक्वेंसीज एप्लीकेशन में जर्मेनियम ज्यादा यूज होता है, सिलिकॉन कम यूज होता है। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में जो इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी होती है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की, वो कम होती है। लेकिन एक एडवांटेज, ये हमारा एक एडवांटेज है जर्मेनियम का, लेकिन जो इतने सारे एडवांटेज है सिलिकॉन के, इसकी वजह से सिलिकॉन हमारा ज्यादा प्रेफर किया जाता है कंपेरिजन टू जर्मेनियम। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें जिसकी वजह से सिलिकॉन ज्यादा यूज किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो आपको उसके पॉइंट सही लगे हों, गलत लगे हों, जरूर बताइएगा।